रूस यूक्रेन चीन ताइवान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनाव जारी है। इस तनाव में एक चीज कॉमन है और वो है अमेरिका। अब अमेरिका का सऊदी अरब के साथ भी विवाद छिड़ गया है। दोनों देशों के संबंध फिर से खराब होते दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीएनएन के साथ अपने एक इंटरव्यू में ओपेक तेल उत्पादन में कटौती के नतीजे भुगतने की बात कही थी। बाइडेन की उसी चेतावनी के जवाब में अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई सऊद अल शलान ने सऊदी अरब को चुनौती देने वालों को धमकी देते हुए एक वीडियो में कहा है कि जो भी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि हम जिहाद और शहादत के लिए ही बने हैं। The challenges, the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी का जवाब देते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा, पश्चिम के लिए मेरा जवाब है। मेरा ये संदेश उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि हमें डरा सकते हैं। सऊदी अरब ओपेक प्लस समूह का सबसे प्रमुख सदस्य है और रूस भी इसमें शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया है ताकि रूसी गैस पर निर्भरता बढ़ जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने रविवार को संकेत दिए कि G20 सम्मेलन में बाइडेन का मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। G20 सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में होना है और इस दौरान दुनिया की सबसे मजबूत 20 आर्थिक महाशक्तियां इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ओपेक प्लस ग्रुप ने तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की घोषणा की थी, जिससे वॉशिंगटन और रियाद के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब पर रूस और व्लादिमीर पुतिन का सहयोग करने का आरोप लगाया था। जवाब में बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहा है। आने वाले समय में अगर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दूरियां बढ़ती हैं, तो अमेरिका को महंगी गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। गौरतलब है कि जो बाइडेन जुलाई में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, ये उनका पहला सऊदी दौरा था और कहा जा रहा था कि वो तेल पर किसी बड़े समझौते के मकसद से रियाद गए हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस ने बाइडेन को कोई खास तवज्जो नहीं दी और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा था।